हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुल्क के सबसे बड़े शहर की सड़कों पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज, मुसल्ला डाकू कराची की गलियों और चौराहों में दंदराने लगे। आईजी सिंध की जेर सदारत पुलिस के बड़ों की बैठक, एडी ख्वाजा की स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस अनासर के खिलाफ मुनज्जम ट्रैक डाउन की हिदायत। एमक्यूएम और पीएसपी के इत्तेहाद में सहूलत कारी किसी नॉन सिविलियन ने नहीं की, जनरल बिलाल अकबर कहते हैं एमक्यूएम उन्होंने बनाई तो सियासत छोड़ दूंगा। 22 अगस्त को जनरल राहिल शरीफ और चौधरी निसार के टेलीफोन पर रिहाई मिली थी। फारूक सत्तार का इंकशाफ, फारूक सत्तार एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव मानना होता तो हम एमक्यूएम में चले जाते। फारूक सत्तार के साथ मेरी अकेले भी बात हुई, मुस्तफा कमाल का जवाब, कहा अगर जीती सीटों पर इत्तेहाद नहीं होगा तो क्या लियारी में इत्तेहाद होगा। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में राबता मुनक़ता, हुकूमत तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का धरना खत्म कराने में नाकाम। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने ताकत के इस्तेमाल का इंदिया दे दिया, कहा धरने वालों को हटाने का इख्तियार और सलाहियत मौजूद है। कोई भी ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती, रियासत के इदारे मुल्की मफाद में मिलकर काम करते रहेंगे। आर्मी चीफ का पाकिस्तान दुश्मनों को दो टोक पैगाम, कहा रिवायती खतरे से गाफिल नहीं रह सकते, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का भारत को वाज़ह पैगाम, कहा भारतीय रवैया किसी भी वक्त जंग का बाइस बन सकता है, किसी भी किस्म का गलत अंदाजा खतरात का बाइस हो सकता है, अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकाने मसाइल की जड़ हैं। The road to peace in South Asia goes through Kashmir. There is no bypass. जनरल जुबैर महमूद ने वाज़े कर दिया कि हम हालते जंग में हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी रिटायर्ड की आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू, कहा अगर हमने भारत को जवाब दिया तो कहीं ये एटमी जंग ना बन जाए। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया, लाइन ऑफ कंट्रोल चिरीकोट सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग से 75 साल खातून महमूदा बेगम शहीद हो गई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई, भारतीय बंगर्स को निशाना बनाया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन जुनैद की इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा, बर्मा टाउन में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, सरहद पार हमले में पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर शदीद एहतजाज। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सरमा की पहली बारिश, बलूचिस्तान में भी बारिश का सिलसिला जारी, पहाड़ों पर बर्फबारी,
पंजाब के मैदानी इलाकों को धुंध से निजात मिल गई। कराची वालों को अबरे करम का इंतजार। मौसम की रुत बदली तो आवाम का मूड भी बदल गया। रायवंड में लोगों की बड़ी तादाद फ्राई मछली की दुकानों पर टूट पड़ी। मौसम बड़ा अच्छा हो गया, तो बड़ा ही सुहाना मौसम हो गया। असं अपने दोस्तों के नाल होटल से मछली खान आए हैं। अज बारिश हुई है जी, तो मौसम बड़ा प्यारा हो गया। उसकी वजह तो इन्हों की मछली जी बारबेक्यू वाली है, वो इधर वास्ते आए बच्चों वास्ते। पीडीआई के चेयरमैन इमरान खान का बड़ा ऐलान, कहा अदालत में तमाम चीजें जमा करा दी हैं, एक भी दस्तावेजात जाली हुई तो खुद चला जाऊंगा। कप्तान कहते हैं मुझे अदालत की कोई फिक्र नहीं है, जो मांगा मैंने दिया, अब कोई भी फैसला हुआ कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। फैसले से इमरान खान महफूज है या गैर महफूज, फिलहाल इंतजार करना होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कहते हैं फैसला जल्द आने की तवक्को न रखी जाए, झूठ और सच को परखा जाएगा। असासे छुपाने और गलती में इमरान खान ने अपना यूरो अकाउंट जाहिर नहीं किया, जस्टिस उमर अताबंदियाल के रिमार्क्स। मरियम नवाज इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर फट पड़ी। कहती हैं इमरान खान नाअहली केस अकामे के मजाक से ज्यादा संजीदा है, जल्दबाजियां सिर्फ नवाज शरीफ के लिए थी। नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले के लिए अदल के नए पैमाने बनाए गए। किसी ने इश्तिहारी से यह भी नहीं पूछा कि दो साल कहां थे। मरियम नवाज की तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन नाअहली केस का फैसला भी महफूज कर लिया। जहांगीर तरीन के पहले तहरीरी जवाब और ट्रस्ट डीड में तजाद है। जहांगीर तरीन ने बराह रास्त रकम ऑफशोर कंपनी को भेजी, रकम ट्रस्ट को नहीं भेजी गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। पीटीवी पार्लियामेंट और एसएसपी हमला केस समेत चारों मुकदमात में जमानत मंजूर। कहते हैं शफाफ इंतखाबात के लिए पुरम एहतजाज कर रहा था, पुरम एहतजाज करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया गया। एहतसाब अदालत ने साखदार के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुलजिम अदालत में पेश क्यों नहीं हो रहा, जज का इस्तफसार। सेहतियाबी में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, जामिन का जवाब। हसन और हुसैन नवाज को इश्तिहारी करार देने की तामीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी गई। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिमान जानबूझकर पेश नहीं हो रहे। दोनों की एलडीए और डीएचए में कोई प्रॉपर्टी नहीं। हुसैन नवाज के 4 बैंक अकाउंट्स हैं, जिनमें यूरो और डॉलर्स भी मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने 3 रेफरेंसेस यकजा करने से मुतालिक दरखास्त मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसला जल्दबाजी में दिया गया। दरखास्त में मौकिफ, नवाज शरीफ एहतसाब अदालत में हाजिर के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। मरम्मत मरम्मत और मरम्मत, काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। कराची के राशिद मिनास रोड को शाहराह फैसल से मिलाने वाला फ्लाईओवर मरम्मत के नाम पर एक बार फिर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक के रश से शहरी तंग होने लगे। नौशहरा में गुर्दों की पेबंदकारी की तहकीकाती रिपोर्ट आज न्यूज को मौसूल हो गई। दुआ मेडिकल सेंटर को पंजाब से आने वाला ग्रोह इस्तेमाल करता था। डोनर्स ननकाना साहब, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और हसन अब्दाल से लाए जाते थे। रिपोर्ट में इंकशाफ। कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। हुकूमत जून में अपनी मुद्दत पूरी करेगी, जिसके 2 माह बाद इंतखाबात होंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलूचिस्तान के लिए 10 साल पैकेज बनाया जाएगा, आधे फंड सूबाई और आधे विफाकी हुकूमत देगी। जमहूरी अमल रुकना नहीं चाहिए, हम पाकिस्तान के आईन, पार्लियामेंट और जमहूरियत के साथ हैं। मुल्क में कौमी यकजहती की जरूरत है, मौलाना फजलुर रहमान।
عام انتخابات آئندہ برس اگست میں منعقد ہوں گے، وزیر اعلیٰ سندھ پر امید، کہا وفاقی حکومت نے مردم شماری کے نتائج سندھ کی تینوں شرائط پر قبول کر لیے ہیں، اگر تحریک انصاف قبل از وقت انتخابات میں سنجیدہ ہے تو پرویز ہٹک نے مشترکہ مفادات کاؤنسل میں آئینی ترمیم کی حمایت کیوں کی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت تک انتخابی اصلاحات بل معطل کر دیا، عدالت میں بل میں ختم نبوت سے متعلق شکوں میں ترمیم کا معاملہ زیر غور ہے۔ افغانستان کے علاقے میں ڈرون حملہ، لشکر اسلام کا اہم کمانڈر فضل حق آفریدی سمیت 5 شدت پسند ہلاک ہو گئے، فضل حق آپریشن خیبر 1 کے بعد افغانستان چلا گیا تھا۔ قندیل بلوچ قتل کیس میں ملزم عبدالقوی کی درخواست ضمانت منظور، سینٹرل جیل سے رہا کر دیا گیا، مفتی عبدالقوی کہتے ہیں کہ جتنے دن حوالات میں رہا میرا بلڈ پریشر 80 اور 120 رہا، پنجاب پولیس اور جیل کی باتیں بعد میں کروں گا۔ بانی ایم کیو ایم اور دیگر کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات میں مشکلات، غیر ملکی بینکس اور اداروں نے مطلوبہ ریکارڈ اب تک فراہم نہیں کیا، کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ کل کی گرما گرمی کے بعد سندھ اسمبلی میں آج سیز فائر رہا، ڈپٹی اسپیکر شہلا رضا کے دوستانہ رویے پر اپوزیشن اراکین بھی حیران، خوشگوار حیرت کا لفظوں میں اظہار۔ سندھ اسمبلی کے احاطے میں ارکان کی گاڑیوں کی دھلائی کے لیے سروس اسٹیشن بن گیا، کوئی پھسلے یا سنبھلے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ فیصل آباد میں چور دل کے ہاتھوں ہوا مجبور، دکان سے آئس کریم لوٹ لی، آئس کریم چرانے کی ٹھنڈی واردات سی سی ٹی وی کیمرے میں محفوظ ہو گئی۔ بنو میں خواجہ سراؤں پر ناچ گانے پر پابندی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، ناچ گانے پر پابندی ہٹائی جائے مظاہرین کا مطالبہ۔ دبئی میں ایئر شو کا تیسرا روز پاکستان کے جے ایف تھنڈر 17 اور مشاق طیارے خصوصی توجہ کا مرکز بنے رہے، چینی فضائیہ کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، پائلٹس نے صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ایران عراق سرحد پر زلزلے سے جانبحق افراد کی تعداد 530 ہو گئی، زخمیوں کی تعداد 7000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی عدالت نے 6 مسلم اکثریتی ممالک کے شہریوں کی امریکہ آمد پر پابندی کی اجازت دے دی، پابندی کا اطلاق ایران، شام، لیبیا، یمن، صومالیہ اور چاڈ کے شہریوں پر ہوگا۔ روسی صدر مغربی ممالک میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے، روس سائبر جاسوسی میں بھی ملوث ہے، برطانوی وزیراعظم ٹریزامے کا الزام۔ سمندری طوفان یونان سے ٹکرا گیا، سڑکیں تالاب بن گئیں، جگہ جگہ تباہی کے مناظر، حکومت نے ایمرجنسی نافذ کر دی۔ لندن ٹرین میں جوہری کا 1 ملین پاؤنڈ مالیت کا سوٹ کیس چوری، سوٹ کیس قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا، پولیس نے مشتبہ ملزم کی ویڈیو جاری کر دی۔
اردن کے صحرا میں شامی پناہ گزینوں کے لیے سب سے بڑا سولر پارک قائم، 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جائے گی۔ اب باربی حجاب پہنے کی، حجاب پہننے والی دنیا کی پہلی باربی ڈال متعارف کرا دی گئی۔